आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज 16 सितंबर 2023 है, वीडियो वैसे कल अपलोड होगी 17 नौ 2023 को। छोटा सा खाली कुछ इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। कुछ मार्केट में बातें चल रही है 10 रुपीज़ AKM से रिलेटेड। मुझे एक कॉल आया था इससे रिलेटेड के इसके ऊपर भी कुछ बताऊँगा मैं आप लोगों को। थोड़ा सा बताना भी है AKM सीरीज़ के बारे में। और दूसरी बात, जो लोगों ने पहले कॉइन्स भेजे हुए थे मुझे, जिनके मुझे रिटर्न करने हैं, वो सारे कॉइन्स मैं अभी जैसे इसमें निकाल रहा हूँ। अब ये लक्ष्मण भाई का बहुत पहले का ये इतना सारा कॉइन है जो उनको रिटर्न करना है, ठीक है। औरंगाबाद के होते हैं ये, ऐसे ये भी सबके इसमें है, छोटे मोटे भी आप देख सकते हैं। अभी ये उन्नी कृष्णन नाम है इनका, इनके पार्सल के कॉइन्स है रिटर्न करने वाले, आप देख सकते हैं। रिटर्निंग कॉइन राजू नायक, ये आए थे मेरे ऑफिस में, मुझे याद नहीं रहा, आपने उनका वीडियो भी देखा, ये कॉइन उनको रिटर्न करने थे, उन्होंने भी याद नहीं दिलाया, मैंने भी याद नहीं रहा मुझे। ऐसे कॉइन्स रह जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आप देखिए, ये रिटर्निंग कॉइन ऑफ मिस्टर लक्ष्मण, इनके ही ये कॉइन फिर से, ये भी औरंगाबाद के, एक बाद में जो पार्सल मैंने ओपन किया था उसमें से ये भी कॉइन्स उनके थे जो रिटर्न करने वाले रहते हैं। और देखिए अभी इसमें दूधनाथ तिवारी जी रिटर्निंग कॉइन छत्तीसगढ़। तो ऐसे सारे कॉइन्स जो एक्स्ट्रा मेरे पास आ जाते हैं, जिनका मिंट मार्क मैच नहीं करता है, जो कॉइन्स दिखने में लगता है कि शायद ये स्कार श्रेणी के होंगे या रेयर होंगे, तो लोग उसको भेज देते हैं, ठीक है। वीडियो मेरी सही से प्रॉपरली देखते नहीं है। मैंने पहले भी आज से मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन या एक महीना पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये वो पुराने सिक्के हैं जिन्हें आप नियमित रूप से हमें बेच सकते हैं, ठीक है। और मैंने उसमें बताया था लगभग 50 से ज़्यादा सिक्के, तो उसमें मैंने ये भी शुरुआत में ही बोला था कौन से सिक्के हम खरीदते हैं स्कार श्रेणी के, वो भी जान लो, और साथ में कॉइन्स की कंडीशन भी उसके साथ जो है ना, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं स्कार श्रेणी का सिक्का हो और वो मैं ले ही लूँ, तो स्कार श्रेणी के साथ साथ वो डिमांडिंग भी होना चाहिए, ठीक है। और साथ में उसकी कंडीशन जो होती है वो कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये देख रहे हैं आप एक कॉइन के कामराज वाला, ठीक है, ये मुंबई मिंट का कॉइन है, ये इस कंडीशन में भी, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी मैं बाय करता हूँ। लेकिन अगर आप हैदराबाद का ये लेके आओगे तो UNC में ही लूँगा, ठीक है। ये आपको इस कंडीशन में या AUNC कंडीशन में भी मैं बाय नहीं करूँगा। इसके वजह क्या है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो ये फ़र्क होता है। लोग जो है ना वीडियो को देखते नहीं है, समझते नहीं है, और बहुत सारे पार्सल्स में कॉइन डाल के भेजने के लिए देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात फिर से अपडेट वापस से ये है कि जो लोगों से मैं स्कार श्रेणी के कॉइन्स एक बार ख़रीदूँगा, उसके बाद कम से कम 2-3 महीने का गैप होगा, उसके बाद ही मैं उनसे कॉइन ख़रीदूँगा। हाँ, अगर रेयर सिक्के होंगे आपके पास तो आप मुझे मंथ में एक या दो बार भी मुझे सेल करने के लिए अप्रोच कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं, ठीक है, रेयर या एक्सट्रीमली रेयर भी होंगे तो। लेकिन जो स्कार श्रेणी के, अगर आपने मान लो किसी ने 2000-3000 के आज सिक्के मुझे दिए 16 सितंबर 2023 को, तो फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में फिर उनकी बारी आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबसे हमें डीलिंग करनी होती है। अगर एक ही पर्सन से बाय सेल करते रहेंगे तो दूसरे लोग को मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात का ख्याल करना है, स्पेशली मेंबर्स को बोल रहा हूँ, जो नए मेंबर बनते हैं उनके लिए भी ये मैसेज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुराने वालों ने भी फिर से गलती की है, कुछ पार्सल भेज दिए हैं लिस्ट बना के, बिना बताए मुझे भेज दिए पार्सल, खाली लिस्ट बना के व्हाट्सअप कर दिया और पार्सल भेज दिया। वो आएगा तो मैं खोलूँगा तो फिर उसके ऊपर एक अलग मुझे बताना पड़ेगा। अब उसमें लिस्ट में मुझे दिख रहा है कि जो कॉइन मैं लेता हूँ वो लिखा हुआ है, लेकिन कंडीशन भी, अभी जैसे मैंने बोला ना कि अगर यही वाला कॉइन इन्होंने जो भी पर्सन भेज रहे हैं, अगर मान लीजिए मुंबई मिंट का इस कंडीशन में 100 कॉइन भी भेज दिया तो मैं एक कॉइन भी नहीं ले सकता हूँ उसमें से, ठीक है। स्मारक सिक्कों में जैसे मान लो BR अम्बेडकर वाला मुंबई मिंट का है, ठीक है, 1 रुपीज़ का कॉइन, अगर वो मुझे UNC कंडीशन में मिलेगा या AUNC में मिलेगा तो ही लूँगा। हाँ, लेकिन हैदराबाद में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे सब इसमें चीज़ें हैं। अगर मुंबई मिंट के आप मुझे एक्स्ट्रा फाइन वाले भेज दोगे, चाहे 1000 सिक्के भेज दो, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो ये सारी बारीकियां हैं जो आप लोगों को, खास करके मेंबर को सीखनी है। वीडियो को बार बार देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये गलती करोगे, ऐसे सिक्के मुझे वापस रिटर्न करने, अब फिलहाल ये आखिरी बार है जो मैं भेजने वाला हूँ। इसके बाद भी मैंने इससे पहले भी बताया था
कि मैं अब रिटर्न सिक्के नहीं भेजने वाला हूँ। जो सिक्के आपने भेजे हैं जिस उसमें से अगर 100 में से 10 सिक्के अगर लेने वाले होंगे तो वो ले लूँगा, 90 सिक्के आपको मैं रिटर्न नहीं कर पाऊँगा, उसका ना मैं पैसा भेज पाऊँगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए ये वीडियो देखना सोचना है आपको कि आपको जो भी कॉइन भेजने हैं उससे पहले आपको एनालिसिस करना है, चेक करना है वो कॉइन सही है या नहीं अकॉर्डिंग टू माय बाइंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये मेरे लिए अप्लाई नहीं होता है, आप किसी को भी भेजोगे ये बात का ख्याल करना है सामने वाला वो कॉइन लेगा भी या नहीं लेगा। फिर बाद में आप सोचोगे यार बहुत सारे कॉइन मैंने भेजे थे, बस 10-15 कॉइन इन्होंने बाय कर लिए, बाकी के मेरे कॉइन तो उनके पास ही है, तो वो कॉइन तो बिकने वाली नहीं है मेरे नज़र में, वो 1 रुपये का 1 रुपया ही होगा, 2 रुपये का 2 रुपया ही होगा, ठीक है। भले ही आपको शायद कोई 1 रुपये का 10 रुपया भी दे रहा हो तो मैं बोलता हूँ वैसे कॉइन्स को दे देना बेहतर है, ठीक है। लेकिन ये मार्केट को समझो, ये कोई ऐसा नहीं है कि पुराने चिल्लर बिकते हैं, पुराना नहीं बिकता है। आज भी लोग मेरे वीडियोज़ में आके कमेंट करते हैं मेरे पास पुराने सिक्के हैं, तो भाई पुराने सिक्के होने से पुरानी नोट होने से नहीं बिकेगा। ये नया सिक्का है आपके सामने AKM का 2021 का, ठीक है। ये सिक्का लाओ, मैं आपसे आज के टाइम में 500 रुपये में ख़रीद लूँगा, इस कंडीशन में आप लेके आओ 500 में मैं आपसे ये ख़रीद लूँगा, ठीक है। क्यों ख़रीद रहा हूँ, भले ये नया है पुराना तो नहीं है, कंडीशन भी है, इसके पीछे रीज़न है ये कॉइन काफ़ी कम छपे है, इसके ऊपर RTI की इन्फॉर्मेशन पहले आई थी, उसके बाद साईनाथ रेडप्पा जी की बुक ने भी इसको कंफर्म कर दिया था, ठीक है। तो मैं ये वीडियो में अभी इसी टॉपिक को आगे ले रहा हूँ मैं, AKM के ये कॉइन्स को। तो अब हुआ ये है मार्केट में जो है ना, मुझे एक कॉल आया था, मेरे मेंबर हैं पूना से, उन्होंने बताया कि सर मुझे किसी ने बोला है कि बोले ये कॉइन बहुत सारे छपे हैं 2021 के, ठीक है, नोएडा मिंट वाले, AKM वाले और RTI वगैरह का जो भी है बोले, या जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैली है कि कम छपे हैं, तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉइन बहुत सारे बोले छपे हुए हैं। तो आगे चल के बोले इनकी प्राइस शायद 100 रुपये में हो जाएगी, ये गिर जाएगी मार्केट, ठीक है। तो उन्होंने, वो पर्सन ने शायद मेरे से 600 या 650 में ख़रीदा हुआ है, क्योंकि नया नया आपको पता है ना, मैंने एक स्पेशल वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि उसकी प्राइसिंग कहाँ तक गई थी, कितने ऊपर गई थी, 800-800 में वो कॉइन बिके थे। तो उनको मैंने बोला कि अगर आप मुझे अभी भी चाहें तो 500 रुपये से बेच सकते हैं। वैसे ही मैं और भी जो मेरे मेंबर हैं जिन्होंने मुझसे ये AKM के 10 रुपीस वाले कॉइन बाय किए हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, UNC कंडीशन में अगर आप लोगों के पास आज भी वो कॉइन है तो आप मुझे बेच सकते हैं, मैं आपसे वो ख़रीद लूँगा 500 रुपये में, ठीक है। अभी देखिए ये AKM का पेज खुल गया है, मेरे ख्याल से यहीं पे दिया हुआ होना चाहिए, 5 रुपीज़ का रेडप्पा जी का दिख रहा है इसमें, ऐसे ही 10 रुपीज़ का भी होना चाहिए AKM का। चलिए मैं वीडियो पॉज करके, हाँ आ गया, चलो ये आ गया, मैंने इससे पहले भी दिखाया था, फिर से दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये वीडियो में देखिए, इस बुक में आया हुआ है, रेयर डिक्लेयर हो चुका है नोएडा मिंट से, बाकी मिंट से सब कॉमन है, UNC कंडीशन में बाकी मिंट से 20-20 रुपये प्राइस दिए इन्होंने, लेकिन जो 2021 का है नोएडा मिंट का, ये रेयर डिक्लेयर है, ठीक है। तो इनकी तो बुक आज 9वां एडिशन है ना इनका, इनका तो रिसर्च कम से कम अच्छा होगा, आप लोगों को तो पता होगा ना, इनके रिसर्च में कहीं ना कहीं मतलब गलती कम होने के चांस है। तो इनकी ये बुक में ये कॉइन ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और ये मेरे हिसाब से ये रेयर ही है। अब रह गया कि भाई ऐसा हो सकता है चांस के बहुत सारे सिक्के छपे हो, तो हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये रिस्क रहेगा, आज भी रहेगा कल भी रहेगा। RTI के बेस पे हमें कॉइन ख़रीदने ऐसा ज़रूरी नहीं है, RTI में कभी इन्फॉर्मेशन परफेक्ट आएगी, कभी कुछ डिजिट हो सकता है गड़बड़ा जाए, जैसे मान लो 1,74,000 छपा हुआ उन्होंने भेजा है जिसपे लोगों ने इसको रेयर माना है, और रेयर मानने का दूसरा रीज़न ये भी है कि आज तक आम चलन में ये सिक्का मिला नहीं है किसी को भी, मेरे नज़र में तो किसी को नहीं मिला है, बाकी मैं नहीं, मेरे जितना भी नेटवर्क है जहाँ जहाँ लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, 2021 में 2 रुपया तो मिल गया फिर भी, जो इसके बाद दुर्लभ माना जाता है, इसके 1,74,000 मिंटेज बताई गई है उसकी 6 लाख, तो 6 लाख वाला तो मार्केट में मिल गया, लेकिन 1,74,000 वाला आज तक मेरे कांटेक्ट में किसी के पास भी ये कॉइन नहीं मिला है। तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं समझ सकते हैं आपके लो मिंटेज वाला कॉइन है, अगर बहुत छपे होते तो लॉजिकली ये भी मार्केट में मिलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिक्के छपते, तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि उसको
संभाल के रख लेगा बहुत सारे सिक्कों को। सिक्के वही लोग जो है ना डीलर वगैरह जो बड़े बड़े जो होते हैं जिनके पास डायरेक्ट मिंट के थ्रू जिनके कॉन्टैक्ट होते हैं जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है, या एजेंट होते हैं बीच में जिनके थ्रू वो लोग लेते होंगे, तो उनको पता चल जाता है कौन से सिक्के कम छपे। तो जाहिर सी बात है ये सिक्के कम छपे तभी लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ। आज के टाइम में इसका पाउच, एक 100 कॉइन का इस टाइप का पाउच जैसे ये 20 रुपये वाला है, इसका पाउच भी 50,000 से 55,000 में हमें ऑफ़र हो रहा है, ठीक है, मुझे ऑफ़र हो रहा है। तो मैं अभी तक मतलब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर वाकई में इसकी मिंटेज बहुत ज़्यादा है तो क्यों आज इसकी प्राइस इतनी हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अफवाहें उड़ती रहेगी, आज भी उड़ी है कल भी उड़ी, लेकिन 1% चांस हो सकता है, रिस्क है, ये बात को आपको ख्याल करना है। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि RTI की इन्फॉर्मेशन पे हम जाएंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। लेकिन मेरे वो टाइम पे मैंने सबसे पहले इसको डिक्लेयर किया था YouTube पे कि ये एक रेयर कॉइन है, अगर आप चाहे तो जाके देख लेना आपको पता चल जाएगा। जब मैंने बताया था इस कॉइन के बारे में तो बोला था कि ये एक रेयर कॉइन है, तो उस टाइम पे काफ़ी कुछ हुआ था, कुछ वीडियो में कुछ अच्छे बड़े यूट्यूबर्स यानी जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इस कॉइन को स्पेशली तो हाईलाइट नहीं किया था उस वीडियो में, कोई वीडियो का टॉपिक और था मेरे ख्याल से, मैसूर यूनिवर्सिटी कॉइन के टॉपिक में चलते चलते उन्होंने इस कॉइन पे बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रेयर नहीं है क्योंकि इसके पाउच बिक रहे। तो उनका लॉजिक ये था कि जिस कॉइन के पाउच बिक रहे वो रेयर कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने मिंटेज के बेस पे उसको रेयर कहा। फिर उसके कुछ दिन बाद 15-20 दिन या एक महीने के बाद रडप्पा जी की बुक आई, साईनाथ रडप्पा जी की, ये 22-23 वाला एडिशन, जिसमें उन्होंने उसको रेयर डिक्लेयर कर दिया था, और मैंने इससे पहले भी वो वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया था। तो ये है कुछ बातें जो बतानी। अच्छा, इसमें मेरे पास 20 रुपीज़ का एक पाउच यही लक्ष्मण भाई का रखा हुआ है आज तक, ठीक है। वो टाइम पे जब देखे गए थे इसकी प्राइस लगभग 4,500 रुपये चल रही थी, ठीक है। अब ये पाउच 3,500-3,300 में अभी ये बिकता है पाउच, ठीक है। सिंगल कॉइन लेने जाएंगे तो 45-50 रुपये इसका आपको UNC कॉइन का पे करना पड़ेगा। 2021 AKM वाला ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जिस किसी को बाय करने में ये वाले पाउच में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को मिल सकता है 3200 रुपये में, 3200 में अगर बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। ऐसे ही 5 रुपीज़ का भी आप देख सकते हैं, 5 रुपीज़ का भी आप देख सकते हैं, ये एक पाउच है 2021 का। तो 5 रुपीज़ का भी 2021 का ये जो पाउच है इसकी भी मार्केट अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, ये 12,000 तक सेल हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये सेलिंग के लिए नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।